नमस्कार दोस्तों, ये हम कंप्रेसर का जो रिले और कंडेंसर होता है, ये कंप्रेसर को ठीक तरीके से पावर दे रहे हैं कि नहीं, हम ये कनेक्शन को खोल के देखेंगे। रिले और कंडेंसर को चेक करके दिखाएंगे कैसे चेक किया जाता है। पहले तो हम ये रिले को निकाल लेते हैं। इस तरह से ये कंप्रेसर में लगता है। रिले को हम खोल लेंगे। देखिए, ये रिले को हमने खोल लिया है। इस तरह ये रिले होता है और इसको हम कनेक्शन खोल के देखेंगे। यहाँ पर ये जो कंप्रेसर में लगता है, 3 पिन है और इसमें ठीक तरीके से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये रिले ख़राब है या ये कंडेंसर ख़राब है, उसको पहले हम ये इसमें चेक करके देखेंगे कंडेंसर ठीक तरीके से करंट दे रहा है कि नहीं। पहले हम एक स्विच बोर्ड लेंगे। ये स्विच बोर्ड के मदद से, और यहाँ पर हम लेंगे एक बल्ब 100 वाट का और एक तार लेंगे। ये तार के मदद से हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए, ये जो तार, दो तार है और यहाँ पर जो रिले है, ये रिले पर करंट आ रहा है कि नहीं, हम चेक करके देखेंगे। पहले ये जो फ्रिज का जो तार होता है, ये फ्रिज के तार को हम करंट स्विच बोर्ड में दे देंगे, फिर प्लग दे देंगे। देखिए, यहाँ पर कंप्रेसर में जो करंट जाता है, ये कंप्रेसर में जो करंट जाता है, इसमें करंट ठीक आ रहा है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ये 100 वाट के बल्ब से, देखिए, हमको ये जो 3 पिन है, ये 3 पिन में हम आप लगा के देखेंगे करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए, ये करंट आ रहा है, और दूसरे पिन पे लगा के देखें, नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे, ये आ रहा है। यहाँ पर चेंज करके देखेंगे, नहीं आ रहा है। देखिए, ये दोनों साइड से करंट आ रहा है। देखिए, यानी कि ये जो ऊपर वाला पिन है, ये फेज है, और ये साइड वाला नेगेटिव है, और ये कंडेंसर जो होता है, कैपेसिटर कंडेंसर, इसमें यहाँ से होकर यहाँ तक करंट आ रहा है। ये देखिए, ये स्लो करंट आ रहा है। ये देखिए बल्ब धीरे से जल रहा है, यानी कि ये कंडेंसर चेक है, यहाँ पर करंट ठीक आ रहा है। आप भी इस तरह से कंप्रेसर को करंट ठीक मिल रहा है कि नहीं, आप पहले चेक करने के लिए इस तरह से ये 100 वाट बल्ब जो होता है, इसके मदद से आप ये कंप्रेसर में करंट आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। ये करंट का लाइन है, इसमें भी आप ये करंट बल्ब जला के चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो करंट है, इसको आपको खोल लेना है। देखिए, मैं खोल दिया हूँ, और ये दोनों पिन में करंट ठीक आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे। पहले हम उसको करंट दे देते हैं फ्रिज में। देखिए, मैं फ्रिज में करंट दे दिया हूँ, और ये दोनों पिन में लगा के देखते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए, आ रहा है, यानी कि इसमें ये तार ठीक है, ये जो फ्रिज के तार हैं, ये ठीक हैं, इसमें करंट जा रहा है। आप भी इस तरह से बहुत आसान तरीके से करंट को, कंप्रेसर में ठीक करंट आ रहा है कि नहीं, रिले और कंडेंसर को चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।